नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपकी अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी पर। दोस्तों, क्लास टेंथ का जो पेपर होने वाला है संस्कृत विषय का, उसके लिए मैं आपको ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा जो कि आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक देख लेना। उससे पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं आपको संस्कृत के जो पेपर हैं उसके लिए हाथ से लिखे हुए ऐसे क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो देखिए, यहाँ से आपको सबसे पहले मिलेगा अधोलिखित पठित गद्यांश से आपको गद्यांश पढ़कर उसका हिंदी भाषा में अनुवाद करना है। तो देखिए, ये आपको दे रखे अनंतरम सर्वे जालेनाम व्याधो निर्वृत, इस प्रकार से आपको ये जो मिलेगा। देखिए, मैंने आपको आठ यहाँ पर मैंने लिखे नौ। तो देखिए, नौ में से आपके जो क्वेश्चन हैं उन्हीं में से बनने वाले हैं। तो यहाँ पे इनको ज़रूर देख लेना। इनका जो संस्कृत आपको आना चाहिए अनुवाद का, हिंदी अनुवाद आपको करना, ठीक है। देखिए, सती मदल वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए, पितरम प्राणायात वाला है। फिर मलेश मल वाला है, ठीक है। और ये जो मॉडल पर तैयार किया गया है वो देखिए, उन्होंने देखिए www.brdstudy.online इस वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। कौन सी वेबसाइट? brdstudy.online वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। मॉडल पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। फिर देखिए दोस्तों, ये पितरम ये प्राणायत वाला ये भी आता है। फिर मलेश मल वाला अक्रोध, देखिए यहाँ से लगा अगर पीछे आता ना उनको आपको याद करना है। महाराणा प्रताप से आपको इस महाराणा प्रताप वाला आ सकता है। अत तेन व्याधेन ये दे रख रहा है। फिर स्वतंत्र आंदोलन पे विरुदेन भूपति भूपति, ठीक है। फिर आएगा सूरज मल से अपरमेक अक्रियत सम। फिर देखिए दोस्तों, समाज जो सुधारक वाला वो भी आएगा। और देखिए, जो सूरजमल है वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट आपकी बार। फिर आप बात करते हैं अपने सेकंड की तरफ, अधोलिखित से ये पढ़ित आपको पटकर हिंदी भाषा में अनुवाद करना है। तो देखिए, यहाँ पे आपको देखिए विद्या शस्त्रम प्रवर्तते, तो ये जो आपका आता है ये कर लेना आपको हिंदी भाषा में अनुवाद। गायंती देवा जो पुरुषा सुरतवात, गावा प्रश्ना मनुजा बहुता, ये आपको देर का है। फिर देखिए वृक्ष, देखिए जो वृक्ष के ग्राम वासी है वह न मेघ, इस प्रकार से। अब इसको मॉडल पेपर किस प्रकार से डाउनलोड करना है वो बता देता हूँ। दोस्तों, इसके मॉडल पेपर को डाउनलोड करने के लिए आपको आना होगा brdstudy.online वेबसाइट को। इस वेबसाइट का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिए गए। फिर देखिए RBSE क्लास टेंथ के मॉडल पेपर, देखिए RBSE क्लास टेंथ के मॉडल पेपर पाने के लिए आपको आना होगा brdstudy.online वेबसाइट को। लिंक डिस्क्रिप्शन में। फिर यहाँ पे देखिए क्लास टेंथ मॉडल पेपर। फिर आपको और नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे देखिए आपको सारे सब्जेक्ट के मॉडल पेपर मिल जाएंगे। और इस वाले मॉडल पेपर को डाउनलोड करके डाउनलोड संस्कृत पेपर, इस पर क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस वाली PDF को जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ उसको आसानी से डाउनलोड कर पाएँ। नेक्स्ट देखिए, आपका वृक्षग्रामी वाला हो गया। न जातु दुख करणियम से शीतलोक, देखिए यह आएगा। अहिंसा परम धर्म वाला आता है। फिर गांव प्रसन्न भक्ता विधेय मरु सर्वणा, ठीक है, इस प्रकार से। फिर देखिए स्फुट मरो वाला आएगा। अब हम बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, अधोलिखित से पद्यांश से सप्रसंग संस्कृत व्याख्या करनी है। संस्कृत व्याख्या वाला बहुत इंपॉर्टेंट आपका। तो चैप्टर एक में से मैंने लिखा है, श्लोक आएगा। तो श्लोक देखिए, सभी के श्लोक की व्याख्या करनी है। तो श्लोक दूसरा चौथा, फिर देखिए आपका चैप्टर एक का जो आप देखिए सारे श्लोक याद कर लो, मैं जो कह रहा हूँ उन्हीं में से आएंगे। फिर देखिए चैप्टर तीन में आप देख सकते हैं पहला तीसरा और ग्यारहवा श्लोक। फिर चौथा चैप्टर है उनमें से आप देख लीजिए दूसरा और चौथा श्लोक। चैप्टर पाँच है, श्लोक आएगा तीसरा आठवां नवा, और इस श्लोक में आएगा दूसरा और चौथा आ जाएगा, ठीक है। और ये आपका दसवां चैप्टर, उसमें पहला बारहवा और तेरहवा श्लोक। नेक्स्ट आपका आता है, आपका क्या करना है इसका नाटक, नाटक देर का है। एक आएगा जरम्बसु सिंह वाला, एक महाराणा प्रताप वाला, वो नाटक बहुत इंपॉर्टेंट है, और सर्वदमन वाला, ठीक है। तापसी सर्वदमन इस प्रकार से आपको मिलेगा। फिर सर्वदार वाला आएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। द्वितीय सूरतना इस पर देखिए, आपको मैंने सारे लिख कर दे दिए। भामाशाह वाला आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर राजा बालक इस प्रकार से, बालक जरम्बसु सिंह, ठीक है, ये वाला। एक सहचर किश्चित द्रण्यम, तो ये मैंने लिख रखे हैं। इनमें से आपको श्लोक आएगा, तो आपको ये तैयार कर ले रहे हैं, इनमें से पूछा जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं संधि की तरफ। तो संधि के कौन कौन से इंपॉर्टेंट मिलेंगे? यदि पी अन्वय, देखिए इनको याद रखना। तथा भी आ सकती है ना, तथा प्लस अपी, यदि प्लस
यदि भी क्या होगा, देखिए दोस्तों, यदि प्लस अपि हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपको संधि विच्छेद का नाम भी लिखना है, फिर अन्वय, स्वागतम, जगदीश, दिगरम, दिग्गज हो गया, नमोनम हो गया, मनोर हो गया, ठीक है, फिर महर्षि, एक एक, फिर ये देखिए ये परोपकार, धन्यास्तु, सयनमम, नारी प्लस उत्पीड़नम, पावक वाला, मध्यरी, नायक है, ठीक है, सूर्योदय, महेश। इस प्रकार से आपको इनमें से जो संधि विच्छेद है वो प्रश्न पूछा जाएगा, तो आपको जरूर याद कर लेना एक वाला, ठीक है। अब आता अगला क्वेश्चन है समास वाला, तो समास वाले कौन कौन से आएंगे, घनश्याम है, यथाशक्ति है, माता पिता है, इनमें समास है जो कि आएगा आपके एग्जाम में। देखिए महापुरुष हो गया, महाराज हो गया, उपवनम हो, राम चे, लक्ष्मण चे। देखिए एक आएगा द्वंद्व समास का, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हिंदी में भी ऐसे ही पूछा जाता है, पीताम्बरम, पाणिपादम, ठीक है, निर्जलनम, माता पित्रो, चंद्रमुखी, विद्याधनम, हरिहरो, चक्रपाणी, सूलपाणी, नील नील कलम, ठीक है। अब बात करते हैं घड़ी वाले, तो घड़ी वाले कौन कौन से आएंगे, घड़ी में देखिए मैं टाइम दे रखा है, इसी टाइम को एनहांस करके आपको लेना है। तो दोस्तों आपको मैंने जो क्वेश्चन बताए थे कॉन्सिक्वेंटली वही प्रश्न आएंगे हिंदी में भी, ठीक है, और उन्हीं में से प्रश्न आपके पूछ जाएंगे जो कि मैंने आपको हिंदी में बताया था, और संस्कृत वाले भी ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं। दस देखिए 10:00 कितने मिनट हो रहे हैं, फिर 8:30 हो रहे हैं, ठीक है, 8 इस प्रकार से ये आपको देना है। एक तो आएगा कि भाई डायरेक्टली 12:00 बजा दिए, फिर 12:15, फिर 12:30, फिर 12:45, फिर आपका 1 बजे, ठीक है, दो तीन तरह से क्वेश्चन बनते हैं। फिर आते हैं विभक्ति वाले, विभक्ति तत्कारणम, तो कारण के करना आपको, देखिए विभक्ति का कारण लिखना, राजमार्गरम अभित, तो देखिए यहाँ पे पीछे जिसके पीछे म आता हलत में, और यहाँ पे देखिए अभित हो गया, अभित है, परित है, इनके योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। राम लक्ष्मण, देखिए लक्ष्मणायण यहाँ पे स है, तो स के योग में हम तृतीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। पिता पुत्राय, तो देखिए इसमें आएगी चतुर्थी विभक्ति। अगला आता हमारा देखिए स कृपणम धनम हरती, फिर प्रियंका सरलाया लिखती, माता भूमे, बालकाय मोदगम रुचिते, इस प्रकार से आपको लिखने को मिलेगा। अब हम देखिए यहाँ पे आपको ये दे रखा है, फिर 10th वाला 11th और 12th ये सभी आपको देख लेना है। नेक्स्ट आता है आपके लिए वाक्य शुद्ध, वाक्य का शुद्ध करना है, भिक्षुम वस्त्राणि यजति, तेत नाम मिस, कहाँ पे आपको मिस्टेक दे रखी है, गलती कहाँ पे हुई है, उन्हीं को सुधारना है, ठीक है। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है जो कि ये आपका बोर्ड 20 में आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रत्यय, तो प्रत्यय में कौन सा आएगा, एक तो कृ प्लस अन्य वाला आएगा, देखिए पट वाला, ये प्रत्यय मैंने ऐसे ही लिख रखे हैं, बाकी प्रत्यय तो कहीं से भी आ सकता है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रत्यय ये है जो कि आपके एग्जाम में आ जाता है, कई बार पूछ लेते हैं, ठीक है। पत्र बात आता है, बहुत इंपॉर्टेंट, 4 नंबर का आता है, पत्र लेखन या फिर आपको एप्लीकेशन वगैरह ये हो गया। तो देखिए शुल्क मुक्ति का आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर क्रीडा प्रतियोगिता हो रही है तो आपको इसमें क्या लिखना है, पत्र लिखना है, पत्र लिखना है, ये क्रीडा प्रतियोगिता। फिर देखिए पिता को पत्र हो गया, अपने मित्र को पत्र लिखना है, या फिर स्थानांतर प्रमाण पत्र TC वाला वो अभी आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा प्रश्न उत्तर, तो प्रश्न उत्तर देखिए कितने नंबर का आता है, आपका 3 नंबर का आता है। तो देखिए 8 सवाल दिए होंगे, उनमें से 6 करना है, और प्रत्येक क्वेश्चन आधे नंबर का है, तो 3 नंबर के हो जाते हैं। देखिए प्रश्न आपके इनमें से प्रश्न पूछ जाएंगे, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा लोड हो रहा है, देखिए चित्र गिरुम अवैलन कपोत्तम सदम किम उक्तवान, ये क्वेश्चन मार्क के पीछे, भमसा क आसित, ये भी आएगा, वंदे निरता भारतम वसुधा रचना, देखिए एक आपको रचनाकार पूछा जाएगा कि इसके रचनाकार कौन है ना, तो देखिए वंदे निरता वाले रचनाकार कौन है ये आपको बताना है। का वाणी पुस्तक धारिणी अस्ति, राष्ट्रीय कदा शास्त्र चर्चा, ये भी आएगा, कस्तूरी कस्मा जायते, तो कति वेदता कति वेदा संति, वेद कितने, ये भी आपके बार आएगा, 4 वेद होते हैं, कितने वेद हैं, 4 वेद। नेक्स्ट है वाइसिस नाम की, वाइसिस का नाम क्या था, अभिज्ञान शकुंतलम के रचनाकार कौन है, रचयिता कौन है, भारत वैभवम कस्मात ग्रंथ, देखिए जो भारत वैभवम पाठ है वो किस ग्रंथ से लिया गया है, यहाँ पर थोड़ी सी दोस्तों स्पेस कम हो जाने के कारण यहाँ पर पूरा नहीं लिखा गया, भारत वैभवम कस्मात ग्रंथ से लिया गया है। फिर देखिए भारत से दक्षिणाय दिशा, भारत के दक्षिण दिशा में कौन सा देश
कौन स्थित है, तो उस हिमालय होगा। देखिए दक्षिण या फिर उत्तर पूछ सकता है, तो दोनों में से आप उत्तर दक्षिण दोनों की दिशा आपको ज्ञात होनी चाहिए। तो इस प्रकार से मॉडल पेपर है। मॉडल पेपर आपको brstudy.online वेबसाइट पे मिल जाएगा, वहाँ जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन दिया हूँ, वहाँ जाके डाउनलोड कर लीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।